आज जो देश ने देखा क्या उसे रोका जा सकता था? आज जो देश ने देखा क्या कल वो देश नहीं देखेगा? आज जो देश ने देखा क्या आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि इसका कभी भी रेफरेंस ना दिया जाए? ये जिम्मेदारी किसकी है आपको बताना हमारे लिए जरूरी नहीं है, आप समझ सकते हैं। आज देशभर में एक ऐसी तस्वीर देखी गई जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। एक विवादित टिप्पणी को लेकर शहर शहर में भीड़ सड़कों पर उतरी, आगजनी की गई, पथराव किया गया, वो भी तब जब भारत की सरकार इस मामले को लेकर संजीदा। आज हम आपको बताएंगे कि आज जो कुछ हुआ वो संयोग था या प्रयोग था, हिंसा के पीछे कितने मास्टरमाइंड बैठे हैं, किस देश से सारी फंडिंग हो रही है और क्यों कहा जा रहा है कि आज कुछ हुआ उसकी स्क्रिप्ट कई सालों से लिखी जा रही है। शुरुआत करते हैं आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। ध्यान से देखें, उपद्रवियों पर यूपी पुलिस का एक्शन जारी है। यूपी में अब तक 109 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए। सहारनपुर से 38, हाथरस से 24 उपद्रवी गिरफ्तार, अंबेडकर नगर से 23, प्रयागराज से 15 उपद्रवी गिरफ्तार। वीडियो के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही। और एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि प्रदर्शन को लेकर यूपी के सीएम सख्त, शांति भंग करने वालों पर कार्रवाई हो, मुख्यमंत्री ने कहा। सभी जगह कड़ी निगरानी हो यह भी कहा उन्होंने। सुरक्षा से कोई खिलवाड़ ना हो यह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।